नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सबकी नज़रें केएल राहुल पर टिकी हैं। वहीं भारत ने आज कैंप में पहले दिन का अभ्यास किया। इस दौरान केएल राहुल को नेट्स में 1.5 घंटे तक बल्लेबाजी करते हुए देखा गया। भारत एशिया कप में अपने प्रैक्टिस के स्टार्ट 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेल कर करेगा। अब राहुल के नेट्स में लगातार बल्लेबाजी करने के बाद ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में खेल सकते हैं। भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत हैं कि राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं अभी कैंप और 5 दिन चलेगा। अगर केएल राहुल इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में वह खेले। केएल राहुल आईपीएल 2023 के दौरान चोटिल हो गए थे और फिर उनके थाई सर्जरी हुई थी। इसके बाद वो एनसीए में रिहैब कर रहे थे और उनका सिलेक्शन एशिया कप के लिए किया गया। उनके बारे में कहा गया था कि वो शायद ही एशिया कप के शुरुआती मुकाबले में खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे लगता है कि शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले फिट हो जाएं और प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाएं। तो क्या लगता है आपको, केएल राहुल एशिया कप का पहला मैच खेल पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।